हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बीजेपी को छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्याम सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ इनेलो का दामन थामा। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अभय चौटाला भी मौजूद रहे। श्याम सिंह राणा ने एक बार फिर सरकार के तीन कृषि कानूनों पर विरोध जताते हुए कहा कि ये कानून किसानों की अपनी जमीन से दूर करने वाला कानून है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने श्याम सिंह राणा का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि श्याम सिंह ऐसे वक्त में इनेलो में शामिल हो रहे हैं जब पार्टी किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि श्याम सिंह के इनेलो में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज की विकट परिस्थितियों में श्याम सिंह जी राणा जैसे लड़ाकू और जुझारू लोग अगर हमें हौसला देंगे, इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देंगे, तो इससे समूचे राष्ट्र के लोग बहुत प्रभावित होंगे। हम समझते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे, हम चाहते हैं। इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित की, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे जमीन स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।